वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम देने का एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स से कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हो जाती हैं। तो पहली जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि जो पेपर होता है वो लेंदी हो जाता है कभी कभी। तो इस मेथड से अगर आप पेपर ट्राई करोगे तो लेंदी पेपर भी आप काफ़ी हद तक पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। तो ये जो मेथड है वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से अपना टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हो। तीसरी प्रॉब्लम है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही क्वेश्चन पर अटक जाते हैं और फिर उस क्वेश्चन को ही करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका है, तो अगर अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मेरा जो टाइम मैनेज पर ऑलरेडी लगाया हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। तो उस वजह से उनका काफ़ी टाइम खराब हो जाता है और फिर वो आगे चल के उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। चौथी जो मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स काफ़ी तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में काफ़ी सजा सजा के निकलने लगते हैं, जिससे कि क्या होता है कि एंड में उनके पास टाइम कम हो जाता है। और एग्ज़ाम जो है वो ठीक है, आपको राइटिंग अपनी अच्छी रखनी चाहिए, बट आपकी जैसी राइटिंग है वो राइटिंग नॉर्मल स्पीड पर होनी चाहिए। अब अगर आप बहुत सजा सजा के लिखोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। और एग्ज़ाम में हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप जो लिख रहे हो वो सामने वाला पढ़ पाए, उसको समझ पाए, वो हैंड राइटिंग चल जाती है। ज़्यादा सजा के लिखने से भी हमारा इतना कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। और जो पांचवी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घबरा जाते हैं और घबरा के फिर उनका जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए हमको एग्ज़ाम में, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं उससे आप कैसे इन चीज़ों का सामना कर सकते हो, और इसी मेथड से आप जो छठवीं प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर सकते हो कि पूरा एग्ज़ाम आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओ, ऐसा भी कई बार होता है। तो अगर ये वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर आप पूरी तरीके से अप्लाई करोगे तो आपका पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट ईजिली हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि ये जो मेथड है वो है क्या। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो मेथड है वो 3 राउंड मेथड है, और इसमें हम अपना पेपर 3 राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर आया है जिसमें कि 15 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 15 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमको आते तो हैं बट हम उनको एक बार में शायद ना कर पाए, थोड़ा उनमें हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे लिए थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं या फिर हमको बिल्कुल भी अच्छे से ना आए, मतलब कहने का है कि एक बार में तो वो शायद हमसे ना होंगे। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन है हमारे पास, और किस किस तरीके से वो हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और मिस्टेक जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि हमको अब कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करना है, रीडिंग क्वेश्चन पेपर। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 मान लो नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 11 मान लो नहीं आता। तो जब हम क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे होंगे तो जब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 11 हम देखेंगे कि ये हमसे नहीं आ रहे हैं तो हमारा ध्यान जो है वो पूरा उधर लग जाएगा और हमको लगेगा कि अरे यार ये 2 क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, अब तो मेरा एग्जाम बिगड़ जाएगा। और उस वजह से हम जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी गलत करके आएंगे, क्योंकि हमारा मूड खराब हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के हिसाब से पेपर सॉल्व करेंगे। राउंड 1 में हमको क्या करना है, राउंड 1 में हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमसे आता है कि नहीं आता। हम क्वेश्चन पेपर रीड नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि ये आता है कि नहीं आता। अगर हमको लगता है कि हमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, यानी कि क्वेश्चन हमारे लिए ईजी है और हम उस क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंट है कि ये क्वेश्चन तो हमसे एक बार में हो जाएगा, तो हम उस क्वेश्चन को राउंड 1 में कर लेंगे। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। और मान लो तीसरा क्वेश्चन हमको नहीं आता, या फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको हम फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो कि ईजी हैं, जिनमें हम कॉन्फिडेंट हैं
और जिनमें जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यानी कि वो टाइम टेकिंग नहीं होने चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, मुझे नहीं लगता कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और लगता है कि अगर करूंगा भी तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सर्कल कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसको मैंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया और ये जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली राउंड टू में चला जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर मान लो हो जाएगा, और एट द एंड ये हमको कुछ ऐसा दिख सकता है। इस तरीके से हमारा राउंड जो वन है वो खत्म हो चुका है, और राउंड वन में आप देख रहे हो कि हमने जो इजी क्वेश्चन थे वो हम पूरे कर चुके हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हमसे एक बार में हो जाएंगे वो हम कर चुके हैं। तो उससे हमारा क्या हुआ कि पहले तो हमने पूरा क्वेश्चन पेपर, अब हम देख चुके हैं कि क्या हमसे आता है और क्या नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो हमसे नहीं हुआ है अभी, या फिर हमने उसको राउंड टू में भेज दिया है। और इसी तरीके से ये मान लो पांच क्वेश्चन हमारे पास निकल के आए हैं। अब इस क्वेश्चन अब इन क्वेश्चंस के लिए हमको राउंड टू अपना शुरू करना पड़ेगा। तो राउंड टू में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े टाइम टेकिंग थे और जिनमें हम, या फिर जिनमें हम कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो हम राउंड टू में उसको ट्राई करेंगे। अब राउंड टू में हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर वो क्वेश्चन हमसे थोड़ी टाइम में ही होना चाहिए, मतलब कि जैसे थर्ड क्वेश्चन है वो अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हमको उसको छोड़ के सिक्स पे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से हमको राउंड टू अटेम्प्ट करना है। तो मान लो थर्ड क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया बट मेरे को लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको मैं छोड़ के सिक्स पे बढ़ जाऊंगा। और मान लो सिक्स मेरे से थोड़ा दिमाग लगाने के बाद, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हो गया, तो ये सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा। और मान लो इसी तरीके से सेवन्थ हो गया, और मान लो ट्वेल्थ जो है वो वापस मैंने करके देखा तो बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो फिफ्टीन हमसे हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड टू जो है वो हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे राउंड थ्री की तरफ, और आप देख सकते हो कि राउंड थ्री में कौन से क्वेश्चन आएंगे जो आपसे, आपको थोड़े टफ लग रहे हैं, यानी कि एग्जाम में जो सबसे टफ आपको लगा वो राउंड थ्री में पहुंचेगा। और राउंड थ्री में एक बार जब आप पहुंच चुके हो तो अब आपके पास जितना भी टाइम बच रहा है वो राउंड थ्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लगा सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, मतलब ये आपसे हो ही नहीं सकता है, आपको इसमें कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसमें और दिमाग मत लगाइए। इससे अच्छा आप वो दिमाग दूसरे क्वेश्चन में लगाइए, या फिर अपने एग्जाम को चेक करने में लगाइए। तो राउंड थ्री में आपको लगता है कि ये आपसे थोड़ी और ज्यादा मेहनत के बाद हो जाएगा और आपके पास टाइम भी बचा हुआ है, तो आप उसको कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्वेल्थ क्वेश्चन मेरे से हो गया और थर्ड वाला नहीं हुआ, तो मैं इस क्वेश्चन को तो छोड़ के ही आऊंगा, और इस तरीके से मेरा पूरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से पेपर देने में आपने पूरा पेपर टाइम के साथ अच्छे से दे दिया है, और आपके पास टाइम की मेरे हिसाब से तो कमी नहीं रहनी चाहिए। अब बात यह है कि इस तरीके से एग्जाम देने का फायदा सिर्फ तब मिलेगा जब आपने पहले पढ़ाई की हो। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है तो आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर लो, नकल के अलावा आपके कभी नंबर नहीं आ सकते। तो आई होप ये मेथड आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस मेथड से एग्जाम दे पाए। अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछने हैं या फिर और भी कोई टिप्स लेनी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।